नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी पिंटू जायसवाल के साथ। महाशिवरात्रि का दिन है, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के मानकेश्वर नाथ जी मंदिर में। अति प्राचीन मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। आज शंकर जी का दिन भी है। जी हाँ, महाशिवरात्रि का दिन है। हम यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके का माहौल आज पूरे रीवा में नज़र आया उसकी असली वजह क्या थी। ये बताइए कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? देखिए, ऐसा कि माँ पार्वती जी ने अघोर तपस्या किया भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और शिवरात्रि के दिन ही उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और उसके बाद जब से उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, तब से शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। और जो भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि के दिन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन जो भी आप विधि विधान के साथ पूजा करिए तो आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ राजेश साहनी जी भी हैं, ज्योतिष हैं, जानकार हैं। ज़्यादा बेहतर है मैं कुछ बोलूँ, उससे ज़्यादा अच्छा होगा उन्हीं से जानूँ, समझूँ और आप सबको ये बताऊँ कि ये जो आज का दिन है जिस तरीके से मनाया गया, सुबह से लगातार भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने तरीके से जो भी विधि विधान के अनुसार पूजा कर रहे हैं। ये बताइए कि ज्योतिष के अनुसार आज के दिन का क्या महत्व है? देखिए, भारतीय ज्योतिष के अनुसार आज बहुत विशिष्ट संयोगों में महाशिवरात्रि का पर्व पड़ा है। शनि गुरु की युति चतुर्ग्रही योग कुंभ राशि में, शनि गुरु की युति मकर राशि में, मेरे ख्याल से 60 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग महाशिवरात्रि के अवसर पर देखने को मिला है। 60 सालों के बाद आज वो दिन आया है। 60 साल बहुत होते हैं कहने के लिए तो केवल 60, लेकिन अगर उसको गिना जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आदमी की पूरी आयु ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी होता है, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने बताया था विधि विधान के अनुसार पूजा करने से एक ज़्यादा आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण होती है, अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने अभी तो अपने हिसाब से पूजा कर ली होगी, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, कब तक आपके हिसाब से योग रहेगा? और अगर जो पूजा पाठ करने में चूक गया तो उसको आगे के आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए? महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत एक अच्छी बात ये होती है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, महाशिवरात्रि यानी कि यह रात्रिकालीन पर्व माना जाता है। इसमें रात के चारों पहर शिव की पूजा का विधान होता है। 6 बजे से वो पहर स्टार्ट हो जाएंगे और अगले दिन प्रातःकाल 6 बजे तक ये पहर व्याप्त रहेंगे। हमारे दर्शकों को जरा समझाइए जी कि रात्रि को किस तरीके से पूजा पाठ करें जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, चारों पहर में अलग अलग शिव पूजन का विधान माना गया है और शिव अर्चन, शिव अभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी इत्यादि का पाठ करते हुए, इसके अलावा शिव मंत्रों का जाप करते हुए चारों पहर में शिव की पूजा की जानी चाहिए। चारों पहर में शिव की पूजा करनी चाहिए, जैसा कि अभी राजेश साहनी जी ने बताया। मेरा आपसे अंतिम सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों का एक सैलाब सा दिखाई दे रहा है, हम अपने टीवी स्क्रीन पर भी लोगों को लगातार वो दृश्य भी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आज आपने यहाँ पर जो भी इंतज़ाम किए थे या भक्तों ने जो भी यहाँ पर प्रसाद चढ़ाए उसमें क्या था खास? देखिए, अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु एसोसिएशन जो हमारी राष्ट्रव्यापी संस्था है, उसके तत्वाधान में यहाँ पर हमने शिवलिंग का अभिषेक किया है, शिवार्चन किया है, स्वस्ति वाचन और शांति पाठ किए हैं। इसके अलावा भगवान भूत बावन भोलेनाथ को हमारे एसोसिएशन की तरफ से 1.25 क्विंटल हलवे का प्रसाद पहले अर्पित किया गया, उसके बाद लगातार 2-2.5 घंटे भक्तों के बीच में वितरित किया गया। 1.25 क्विंटल हलवे का प्रसाद यहां पर भक्तों के बीच वितरित किया गया। हालांकि आज सुबह से ही रीवा शहर में जितने भी शिव भक्त थे लगातार सड़कों पर थे। यहां पर अति प्राचीन मंदिर, शिव के अति प्राचीन मंदिर। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, रीवा के किला में महामृत्युंजय का एक ऐसा मंदिर भी है जो पूरी दुनिया में, रीवा के अलावा कहीं नहीं। मेरे पीछे जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं, ये मंदिर भी यहां का अति प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है यहां पर पूर्ण विधि विधान के अनुसार अगर पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जिस तरीके से यहां पर आज मंदिर की खास तरीके से सजावट की गई है, भक्तों का सैलाब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारे साथ
कुछ भक्त भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यह बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर आज सुबह से भक्तों का सैलाब सड़कों पर है, आप लोग भी आज शंकर जी की मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, यह बताइए किस तरीके से आप अपनी मनचाही इच्छा को पूर्ण करने के लिए शंकर जी से के पास आए? आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम शिव जी के मंदिर आए हैं। हम यही मनोकामना करते हैं कि हमारी सारी मतलब पूरी जिंदगी इच्छाएं पूरी हो और सफलता मिले, और जो हमारी मनोकामना इच्छा है वो भगवान हमारी पूरी करे। और यहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। आप बताइए। मैं भी आई हूँ अपनी मनोकामना पूरी करवाने भगवान से। भक्तों का जिस तरीके से कहना है कि हमारी बहुत सी मनोकामना है, ऐसी मनोकामना जो हम सबको बता भी नहीं सकते, लेकिन भगवान ये जानते हैं हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम ये चाहते हैं जो हमने अंदर से सोच रखा है, हम जब भगवान के दर्शन करें तो हमने जो भी सोचा वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो।